नमस्कार, अरण्यक क्रिएशन की प्रस्तुति भारत की खोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर पूर्व भारत की एक वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है मूला काफोरू। नारी को हमेशा से प्रेम, त्याग और ममता की मूर्त कहा गया है। नारी जननी है, लेकिन यही नारी जब हाथ में अस्त्र उठा लेती है तो शत्रुओं के लिए दुर्गा काली बन जाती है। वीरों के इस देश भारतवर्ष में ऐसी वीर नारियों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपने और मातृभूमि के सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। ऐसे वीर नारी के बारे में बात करते ही सबसे पहले जिनका नाम हमारे जुबा पर आता है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे करीब 300 साल पहले उत्तर पूर्व भारत की एक वीर नारी मूला गाभोरू ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए अपने देश के लिए जीवन निछावर किया था। तो चलिए बात करते हैं मूला गाभोरू की। असम तथा उत्तर पूर्व में तब आहोम राजाओं का शासन था। प्रजा खुश थे, महफूज थे, पर सोना चांदी धन से समृद्ध असम को लूटने के इरादे से बार बार विदेशियों का आक्रमण होता था। हर बार अहोम सेनाओं ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, पर फिर भी आक्रमण चलता रहा। सन 1527 को गौर राज्य के मुसलमान सेनापति तुर्बक ने विशाल सेना लेकर अहोम राज्य पर हमला बोल दिया। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अहोम राज्य के 7 सेनापतियों के निधन के बाद फ्रासनमुंग बरगोहाई को सेनापति पद पर नियुक्त किया गया। उन्हीं की पत्नी थी मूला गाभोरू, उस समय मंत्री पर्याय के उच्च पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी को गाभोरू कहते थे। मूला गाभोरू ने एक छत्रानी की तरह अपने पति को विदा किया, लेकिन उनके जाने की 7 दिन बाद खबर आई कि बरगोहाई ने वीरगति को प्राप्त कर लिया। मूला रोई पर टूटी नहीं। उसने ठान लिया कि अपने पति के मृत्यु का प्रतिशोध वो लेके रहेगी। तुर्बक जा चुका था, पर मूला को यकीन था वो फिर आएगा। 5 साल बीत गए। सन 1532 को तुर्बक ने एक बार फिर असम पर आक्रमण किया। उन 5 सालों में मूला ने न केवल अपने आप को, मोहिला जयंती जैसी कई महिलाओं को तालीम देकर युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। तीर, भाला, तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर नारी सेना को साथ लेकर मूला अहोम सेना शिविर जा पहुंची। वीर नारियों की हिम्मत देखकर अहोम सेना में जोश भर आए और जय अहोम की जय नारा देते हुए वो तुर्बक की सेना पर टूट पड़े। पुरुषों के साथ मूला के नारी सेनानी ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना किया। युद्ध के 4वें दिन शिविर से निकलते वक्त युवराज शुक्लेन ने आकर कहा, अब थक गए है गाभोरू, आज विश्राम कीजिए, कल फिर हम साथ मिलकर युद्ध करेंगे। गरज उठे मूला, नहीं युवराज, तुर्बक को अपने मातृभूमि से बाहर करके ही विश्राम करेगी मूला, मुझे जाने दीजिए। बस ये कहकर घोड़े पर चढ़कर युद्धभूमि की ओर रवाना हो गई वीरांगना। आखिर में तुर्बक के सामने जाकर खड़ी हो गई मूला गाभोरू और युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन तुर्बक ने कहा कि एक अबला के साथ वो युद्ध नहीं करेंगे। बौखला उठी मूला गाभोरू और लपक पड़ी तुर्बक पर। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अचानक तुर्बक के एक पठान योद्धा ने पीछे से मूला की ओर एक भाला मार फेंका। गिर पड़ी वो वीर नारी। सहेली को गिरता देख दौड़ी चली आई मोहिला और देखा मौत की गोद में भी मुस्कुरा रही थी मूला और कह रही थी, मौत को तो आना ही है, पर जब तक जिए ऐसा कुछ कर जाए कि मरने के बाद भी दुनिया हमें याद करे। इस युद्ध में कंचन बरपात्रा गुहाई के नेतृत्व में अहोमों ने तुर्बक के सेना को परास्त किया। तुर्बक का सर काटकर अहोम राजा को भेंट किया गया। असम ने एक बार फिर अपने स्वतंत्रता को कायम रखा। हाँ, मूला नहीं रही, लेकिन असम की इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी यह वीरांगना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।